लोकतंत्र का जो महत्व है बिना संविधान के वो निरर्थक माना जाता है। आज हम लोग बाबा साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं, यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ उदयपान जी हैं, इनसे हम समझेंगे कि जो लोकतांत्रिक महत्व है, ये जो विषय है बड़ा ही लंबा है सर, और आज के समय में हम देख रहे हैं कि मूल्यों का जो हनन हो रहा है, इसको लेकर आपका क्या वक्तव्य है, क्या सोच है, क्या राय रखनी चाह रहे हैं? सबसे पहले भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी सरकार माता बोधिसत्व विश्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनको नमन करते हैं। आप सबके प्रति, सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि जितने भी लोगों ने बाबा साहब के 67वें पूर्णिमा दिवस के अवसर पर मड़वा नगर कटेश्वर पार्क और कैली में जो बाबा साहब की प्रतिमा है, इस पर आप लोगों ने बड़े पैमाने पर आकर सभी कर्मचारी, अधिकारी, छात्र, महिलाएं, सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए सारे लोगों ने एक साथ आकर के जाति धर्म से ऊपर उठ करके बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का काम किया। उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण ग्रहण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि दिया। जहाँ तक आपके सवाल है कि इस लोकतंत्र में जो मूल्य है उसका हनन हो रहा है, निश्चित तौर पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक सपना देखा था कि आज़ाद भारत में भारत का वह अंतिम व्यक्ति, जो सबसे अंतिम व्यक्ति रहने वाला व्यक्ति है, जिसके झोपड़ी में भी रोशनी नहीं है, उस अंतिम व्यक्ति को भारतीय संविधान की बदौलत वो सारे हक अधिकार मिलने का काम होगा, उसे इंसान समझा जाएगा, उसे मानव से, उसे जानवर से मानव बनाया जाएगा, उसे वो सारे संवैधानिक अधिकार मिलेंगे जो एक सभी संपन्न व्यक्तियों को मिलते चले आ रहे थे हजारों सालों से। जो सदियों से गुलाम समाज था उसको इंसान बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना किया, और उसमें मूलभूत सिद्धांतों का जो मौलिक अधिकार और उनके जो मौलिक कर्तव्य उसमें दिए, उसके तहत वो अंतिम व्यक्ति को सुख का जीवन व्यतीत करने के लिए बाबा साहब ने सपना देखा था। लेकिन आज देश के 75 साल बीत जाने के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाया इस देश के अंदर, और इस नाते तमाम गरीब लोग आज भी गरीबी होते चले जा रहे हैं। गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है, लोगों जो कमज़ोर वर्ग है उसके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, खास करके हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उनके साथ जघन्य अपराध हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इंसान को इंसान समझा था, मानव बराबर किया था, महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया था, सारे लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया था, सारे लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया था। अगर हम बात करें सर, जो संविधान की प्रस्तावना है, जो शुरुआत होती है वो होती है शुरुआत हम भारत के लोग। ये भारत के लोग कौन हैं? क्या ये मिश्रा हैं? क्या ये दुबे हैं? क्या ये गौतम हैं? कौन हैं ये लोग? इनको कैटेगराइज किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे तमाम टिप्पणियां लिखी जा रही हैं, तो आप ऐसे में सामाजिक सौहार्द की बात कैसे कर सकते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामने जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव आया कि भारत का संविधान किसको आधार बना के, केंद्र बिंदु बना करके किसके ऊपर संविधान लिखा जाए, तो उस पर देश की भौगोलिक स्थिति की बात आई, फिर उसमें एक नदियां नदी नाले को मिलाकर देखा, जंगल को मिलाकर देखा गया और पूरा भूभाग को देखा गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने तर्कों के आधार पर व्यक्ति को आधार बनाया, जो वह अंतिम व्यक्ति जो सबसे निचले पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है उसको आधार बना करके उसके सर्वांगीण विकास की बात करके हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना किया। आज जो कैटेगराइज हो रही है उसकी बाबा साहब ने सपना नहीं देखा था। भारतीय संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है, उसमें किसी जात, धर्म, मजहब, भारत का वह समय समस्त नागरिक, जो भारत का नागरिक है उसे भारतीय संविधान के अदालत एक इंसानी जिंदगी जीने का अधिकार है। शिक्षा की बात कर लेते हैं कि महिलाओं की शिक्षा को हम प्रमुखता से देख रहे हैं, सरकारें भी इसके तमाम दावे कर रही हैं कि महिला को जो है सशक्तिकरण, उनके सशक्तिकरण के लिए तमाम विकल्प हम पैदा कर रहे हैं। ऐसे में जो बाबा साहब का जो उद्देश्य था, जो उनके आदर्श वाक्य थे शिक्षा को लेकर, आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या वो यहाँ पे प्रासंगिक हो पाया है या उसमें अभी कुछ कमी रह पाई है, रह गई है, कितना आगे है, कितना पीछे है अभी उससे हम लोग? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस चीज को मानते थे कि देश और समाज का विकास शिक्षा से हो सकता है। विकास की सबसे निचली पायदान शिक्षा ही है, और शिक्षा जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक देश का और समाज का विकास नहीं हो सकता। इस नाते उन्होंने चाहे महिला हो, चाहे जनजाति हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे बैकवर्ड समाज के हो, चाहे किसी समाज का व्यक्ति हो, जिसे हजारों साल से शिक्षा से विरत रख करके रखा गया था, उसे शिक्षा का अधिकार देकर मौलिक अधिकार उसको शामिल करके उन्होंने शिक्षित करने के लिए उन्होंने संविधान व्यवस्था दिया। इसी नाते उन्होंने एक नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ तमाम भाषा हैं, बोलियाँ हैं, तमाम कल्चर हैं, संस्कृतियाँ हैं, खान पान अलग है, पहनावा अलग है। ऐसे में जो सामाजिक सौहार्द की एक बात की जाती है और इसको लेकर आज के दिन
ये जो महापरिनिर्वाण का दिवस है, ये आज के दिन आप लोग क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे जो एक सकारात्मक भूमिका निभाए? बाबा साहब कभी कैटेगराइज करने की बात नहीं करते थे। बाबा साहब हमेशा इस बात को देखते थे कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय संविधान के बदौलत स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का काम करे, उसे एक इंसानी दर्जा मिले। इस नाते आज ऐसे मौके पर तमाम चंद चालाक लोग उसको कैटेगराइज करने का काम कर रहे हैं। दलित को अति दलित में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, पिछड़े को अति पिछड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, सवर्ण को सवर्ण बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अमीरी गरीबी को खाई को बराबर बढ़ाते चले जा रहे हैं। उनके दिमाग में यह है कि जो तमाम चंद चालाक लोग हैं जिन्होंने हजारों साल से इस पर कुंडली मार करके समाज को गुलाम बना के रखा था, वो चाहते हैं कि जब समाज में कटराइज होगा, लोग जातियों में बटे रहेंगे, वर्ग में बटे रहेंगे, विभेद में बटे रहेंगे, धर्मों में बटे रहेंगे, तो मेरा जो उनके ऊपर शोषण करने का जो हमारा तरीका है वो बरकरार रहेगा। इस नाते उनके ऊपर हम शासन करते रहेंगे, उनका शोषण करते रहेंगे। और बाबा साहब इस बात के कतई खिलाफ थे कि किसी चाहते थे इस देश में वर्ग विहीन जात विहीन समाज की स्थापना हो। वो चाहते थे भारत देश एक ऐसे देश का ऐसे समाज का निर्माण करे भारतीय संविधान बोला, जहां किसी व्यक्ति को न जाति के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न संप्रदाय के नाम पर, न स्त्री या पुरुष होने के नाम पर किसी का शोषण ना हो, ऐसे समाज का निर्माण बाबा साहब सपना देख रहे थे। आपका मानना यह है कि जो जातियां हैं उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए? निश्चित तौर पर इस बात को बड़े पैमाने पर तमाम सामाजिक संगठनों ने इस बात को कहा कि भाई जाति विहीन समाज की स्थापना बाबा साहब ने सपना देखा था। इसके हजारों साल पहले बाबा भगवान बुद्ध ने इससे 2500 साल पहले भी उन्होंने भारत में जब देखा कि बहुत बड़े पैमाने कुरूतियाँ बड़े पैमाने पर आ गई हैं, तमाम अंधविश्वास आडंबर पाखंड और भेदभाव छुआछूत बड़े पैमाने पर हो गया था, तो भगवान बुद्ध ने अपने राजकीय छाटपाट छोड़ करके संन्यास ग्रहण किया। संन्यास करके उन्होंने जब बौद्ध बुद्धत्व को प्राप्त किया तो उन्होंने पूरे दुनिया को मानव जाति के कल्याण के लिए उन्हें संदेश देने का काम किया। उस समय भी उन्होंने ये बात उठाई थी और उसी पर चलते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तमाम महापुरुषों ने इस पर काम करने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश 75 साल आजाद होने के बाद भी उस पर काम नहीं कर रहा है, भारतीय संविधान को ठीक ढंग से लागू नहीं किया। अगर भारतीय संविधान को ठीक ढंग से लागू ही कर दिया जाए, पूर्ण रूप से अगर धरात पर उतार दिया जाए, तो बाबा साहब का सपना साकार हो जाएगा और ये सारी विषमताएं और सारी जो वैमनस्यताएं हैं सब दूर हो जाएंगी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षित होने के लिए कहा था उन्होंने, और सारे युवा अगर शिक्षित हो जाएं, हायर से हायर एजुकेशन प्राप्त करें, जब ऊंची डिग्री प्राप्त करें, ऊंची शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो उनका दिमाग मस्तिष्क उनका खुलेगा, विकसित होगा और वो समाज में अच्छी अपना मुकाम हासिल कर देश और समाज की सेवा कर सकेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।